नमस्कार, मैं सौरभ तिवारी आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के खास सेगमेंट ग्रीन अर्थ में, जिसमें हम आज बात करेंगे किचन गार्डन के कुछ सदाबहार पौधों के लिए जो आपको किचन में साल भर उपयोगी होते हैं, और ये हर किचन की आवश्यकता होती ही है, जिसको आप बाजार से महंगे दामों पर इनके उत्पाद खरीद कर लाते हैं, पर आप इसको आसानी से किचन में उगा सकते हैं और ताज़ा यूज़ कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत आप देखिए, सबसे पहला मैं आपको दिखा रहा हूँ मिर्ची का पौधा। तो ये सामान्य मिर्ची ना होकर, जैसा आप देख पा रहे हैं, गोल मिर्ची है, और इनको लौंगी मिर्ची के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में इनके फल काले होते हैं, ये बेरी चिली है लौंगी मिर्ची के अंतर्गत। और दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल लौंग के जैसे है, शुरुआत में ये काले होते हैं और ये सामान्य मिर्ची से दुगने तिगुने तीखे होते हैं। देखिए ये दूसरा मिर्ची, ये बिल्कुल लौंग के जैसे है, काला है, पौधे में काफ़ी आकर्षक इसके फल जो है वो दिखाई देते हैं। तो हम इनको अपने गार्डन में एक सामान्य पौधे के रूप में भी लगाते हैं, और साथ ही साथ ये किचन गार्डन प्रोडक्ट भी हमको प्रदान करता है। ये मिर्ची जो है वो साल भर फल इसमें आते रहते हैं, और जैसे आपकी किचन में मिर्ची ख़त्म हो गया तो आप अपने घर से ताज़ा तोड़कर इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इसको अधिक संख्या में लगाएं, तो यदि आप पांच पांच पौधे भी लगा के रखते हैं दोनों, तो आपको निश्चित तौर में साल भर मिर्ची खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी आकर्षक दिखाई देता है, इसलिए इसका मैंने अपने गार्डन में दो दो पौधे ही लगा के रखा हुआ है, और दोनों पौधे जो हैं वो तीन तीन साल पुराने हैं। आप देख सकते हैं एक पौधा काफ़ी लंबा है, और ये जो लंबा वाला लौंगी मिर्ची है इसको मैंने 14 इंच के बाल्टी साइज में लगाया हुआ है, 10 लीटर का बाल्टी है, और दूसरा जो है वह 20 लीटर के बाल्टी में लगा हुआ है। इसका पौधा लंबा होता है, गोल मिर्ची का बेले के जैसे बड़ा हुआ है, और इसमें खूब सारे फल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं लाल काफी आकर्षक, बिल्कुल बेर के जैसे फल दिखाई दे रहे हैं। तो इसको आप घर में लगाइए और रेगुलर यूज कीजिए। बीज से काफी आसानी से उगता है ये पौधा, और बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री प्लांट है। तो इस प्रकार ये पहला उत्पाद हुआ किचन गार्डन के लिए। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। तो हमारे घरों में सब्जियों का एक प्रमुख मसाला है कढ़ी पत्ता। बाजार में आप इसे गुच्छे में इसकी पत्तियां खरीद के लाते हैं उपयोग के लिए, पर ये बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री, काफ़ी आसानी से उगाया जाने वाला पौधा है, और इसको आप रेगुलर इसके पत्तियों को तोड़ के उपयोग करते रह सकते हैं, पौधे के को नुकसान नहीं होता। जैसे देखिए एक छोटा पौधा मैंने बाल्टी में लगाया हुआ है, 10 से 12 लीटर साइज के गमले पर ये लगा हुआ है, स्वस्थ पौधा है, और इसके आप एक एक ब्रांच जैसे आवश्यकता है आप तोड़िए और सब्जी में यूज़ कीजिए। जनरली इनको खट्टे सब्जी में हमारे भारतीय घरों में उपयोग में लाया जाता है। साउथ इंडिया में इसका अधिक उपयोग होता है, नॉर्थ इंडिया में विशेष खट्टे सब्जियों पर ही इसको उपयोग में हम लाते हैं। तो ये घर में होना ही चाहिए, और किचन गार्डन में यदि आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तब ये कोई विशेष बात नहीं है कि आप दूसरे पौधों के साथ में इसको भी लगा के रखें। और देखिए इसकी पत्तियाँ जो हैं वो काफ़ी आकर्षक दिखाई देती हैं, डार्क कलर की होती हैं। यदि ज़मीन में आप लगाते हो तो ये बड़ा 15 से 20 फीट के झाड़ी का रूप ग्रहण करता है। तो उससे अच्छा है कि हम गमले में लगा के रखें यदि जगह कम है तो, और इसको कटिंग करके मेंटेन करते रहें। तो ये हुआ कढ़ी पत्ता, खट्टे सब्जियों के लिए बहुत उपयोगी। अगला पौधा है मिंट का पौधा, पुदीना का पौधा। पुदीना जो होता है यह हम विभिन्न प्रकार के चटनियों में यूज़ में लाते हैं, और गर्मी का जैसे सीजन आ रहा है तो ये आम आवश्यकता है। आम की चटनी में इसका उपयोग किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के घर में इसका उपयोग औषधि महत्व का पौधा है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं वो साधारण पुदीना ना होकर एक पुदीना की विशेष प्रजाति है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में मिंट बोल दिया जाता है। हालांकि पुदीना को अंग्रेजी में मिंट ही बोलते हैं, पर ये अंग्रेजी पुदीना कहा जाता है। और ये पुदीना जो होता है वो सामान्य पुदीना की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक इसमें सत्व होता है, और इस पुदीना को आप आसानी से गमले में उगाइए। एक बार यदि आपके गमले में या किचन गार्डन में ये सेट हो गया तो ये स्थायी रूप से ये पौधा जो है वो बना रहता है। पुदीना का पौधा
अधिक पानी वाले स्थान पर उगाना चाहिए, ये अधिक पानी पसंद करने वाला पौधा है। यदि आप इसको जमीन में लगाते हैं तो बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि यह खरपतवार के जैसे बढ़ना चालू कर देता है और इसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप सीमित जगह में चारों ओर घेरा लगाकर इसको लगाएं ताकि ये बहुत अधिक ना बढ़े। पर पुदीना गर्मियों में घरों में रोज काम आने वाला पौधा है और औषधि महत्व का पौधा है। इसकी पत्तियां जो हैं उसको आप साधारण रूप से खा सकते हैं, मुंह माउथ फ्रेशनर के रूप में। काफ़ी बढ़िया इसका स्वाद होता है, मिंट फ्लेवर। अगला पौधा आप देखिए, ये है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का पौधा आज के समय में तो हर घर में होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वह लाल चाय या जिसे हम बोले काली चाय लेना पसंद करते हैं। तो काले चाय में इसकी पत्तियों को यदि हम डालें तो एक विशेष फ्लेवर आता है। और प्रतिदिन सुबह लाल चाय में इसको डाल के लेमन ग्रास का उपयोग करें हम। हालांकि आप इसको दूध वाले चाय में भी उपयोग मिला सकते हैं, पर लेमन ग्रास का पौधा जो है वह मुख्य रूप से घरों में हम चाय में डालने के लिए उगाते हैं। ये पौधा जो है धान के पौधे के जैसे दिखाई देता है, बिल्कुल घास प्रजाति का ही पौधा है, पर पत्तियों में इसका विशेष सुगंध होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफी घना हुआ हुआ है। आप इसके एक जड़ को लगाइए और धीरे 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 ये काफी घना हो जाता है। और लेमन ग्रास जो है नियमित रूप से यदि इसको पानी मिलता रहे तो बिना मेंटेनेंस के आसानी से उगने वाले पौधे हैं। तो ये जो चारों पौधा मैंने आपको दिखाया, ये चारों पौधे हर घर में अनिवार्य रूप से होने ही चाहिए, क्योंकि ये रोज काम में आने वाले पौधे हैं। धन्यवाद।